हमारा मानना है कि सरकार ये फैसला बिना सोचे समझे ले रही है। कोई उद्योग 3 महीना बंद नहीं होता है, 3 महीने के बंद होने के बाद कोई उद्योग का सर्वाइवल नहीं होता है। लोग जो व्यापार कर रहे हैं इंटरनेशनल व्यापार है, सिर्फ हमारा मोनोपोली नहीं है कि सिर्फ हम चमड़ा हिंदुस्तान में ही बनता है, बहुत सारी कंट्रियों में बनता है। तो कोई कस्टमर हमारा जो हमसे चमड़ा खरीदता है वो कोई और सोर्स ढूंढेगा, कोई और सोर्स में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ताइवान है, और भी मुल्क हैं जहाँ से चमड़ा हमारे स्टैंडर्ड का मिल जाता है उनको। उनका कोई भी ट्रेनिंग का दूषित पानी कभी गंगा में जाता नहीं, जो भी पानी जाता है कॉमन चैनल हमको मिला हुआ, कन्वेंशन चैनल मिला हुआ, उसके थ्रू CETP में जाता है, वहाँ स्टीड होके ये सिंचाई के लिए जाता है। सरकार का ये मानना कि ट्रेनिंग का पानी गंगा में जाता है गलत है। जाएगा तो करीब 36 घंटे में वो संगम में पहुँचता है, तो उस हिसाब से हम लोग 2-3 दिन पहले हर नहान के पहले बंद कर देते थे। अभी सरकार ने हम लोगों को नोटिस नहीं दिया है, अभी ये चर्चाओं में है, प्रेस से मिलता है हमको। जिस दिन सरकार ने हम लोगों को नोटिस दिया है तो जो कानूनी पहलू होगा उस पर विचार करके हम लोग कानूनी सहायता लेंगे।